गया, हमारा क्लेम जो था वो टूट गया। मैं कैसे भी वो बांधा हूँ इसको, इधर क्लेम लगता है, वो क्लेम टूट गया है। सो ये पता नहीं कैसे चलेंगे हम लोग। उसको भी ब्रेकफास्ट बनाना चल रहा है और इसको स्क्रम्बल लेग बना लेते हैं। तीन एक था मेरे पास ऑलरेडी, सो इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी। और ये इतना हिल के ऊपर है, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ बाय भी नहीं कर सकते, तो जो है इसी से काम चलाना पड़ेगा। खीरा भी है तो उसको सैंडविच बना सकते हैं। एक्चुअली हम लोग का काफ़ी लेट हो गया है, यहाँ पर केरला का रोड ना उतना भी वाइड नहीं है, नैरो है, तो उसके वजह से हम लोग को जाना है अभी लाइक अराउंड 350 किलोमीटर्स, एंड लेट भी हो चुका है काफ़ी। तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश करेंगे एंड उसके बाद निकलेंगे। ये हमारा ब्रेकफास्ट, वो अभी चाय आ रहा है, सो इसको फिनिश करते हैं अभी। सो गाइस, अभी कुरुमलकोट्टा को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया। हम लोग का लगेज पैक हो गया इधर, एंड श्रीपन्ना भी बैठी है, और यहाँ पे भैया आ जाओ, अनूप भाई है, या ये प्रॉपर्टी अनूप भाई देख रेख करते हैं। तो कोई भी कांटेक्ट करना है आप लोग कर सकते हो, मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अनूप भाई को, कभी भी कांटेक्ट कर लो आप लोग, जल्दी रिप्लाई मिलेगा। एंड आपको जो भी चाहिए, अनूप भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए इधर आने के बाद तुरंत हेल्प करते हैं। हम लोग तो बहुत सेटिस्फाइड है, फिर से आने का प्लान कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर वीडियो देखो प्लानिंग करो इधर आने का, एंड अनूप भाई को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है ना अनूप भाई? आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बता दो। 7025052089। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ लिंक। ओके, थैंक यू। सो गाइस, बाइक रेडी है, लगेज पूरा पैक हो गया है, हम लोग भी रेडी है, श्रीपर्णा रेडी हो रही है, एंड अभी हम लोग निकल जाएंगे। बाइक कोल्ड स्टार्ट में दे चुका हूँ, सुबह का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है यहाँ पे, अभी तो फिलहाल ठीक है। अभी भी हम लोगों को 200 किलोमीटर 230-250 किलोमीटर जैसे हम लोग को जाना है, अभी पता नहीं कितना किलोमीटर, एक्चुअली 300 किलोमीटर भी हो सकते हैं, पता नहीं चल रहा है। तो आसपास में हम लोग इधर ओएनआर में आ रहे हो, तो आसपास में बेस्ट प्लेसेस के अंदर ये जो है कुरुमलकोट्टा हिल टॉप है, जहाँ पे सनराइज़ होता है वो एक है, और एक बानासुरा डैम है और वाटरफॉल है, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर के अंदर ही आ जाएगा। अगर आप लोग आते हो वायनाड में, सिर्फ घूमना एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये सब जगह आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हम लोग अभी निकलना है दूसरा जगह के लिए, इसके लिए हम लोग नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे, वादा करके जा रहा हूँ। सो चलो मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग पे। सो ये है हम लोग का जाने का रोड, यहाँ से हम लोग जाएँगे जो पूरा ऑफ रोड है शिपनाड़ी। तो मुझे अभी सेटलिंग करना पड़ रहा है। अच्छा हुआ जीप चला गया। ये रोड काफ़ी स्टीफ है, इसके लिए दिक्कत है, ये सेटलिंग करना ही पड़ेगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा स्टीफ है। फिर मेरे को सेटलिंग करना पड़ेगा, टर्निंग पे थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि पीछे हैवी है, इसके लिए बाइक में थोड़ा दिक्कत होता है, हैंडल थोड़ा बहुत हिलता है। लॉन्ग वाला रेडियस ले लो और घुमा लो। यस, एंड क्लच को रिलीज, तो इधर थोड़ा रुकता हूँ।
काफ़ी स्टीप वाला रोड है। अभी सिर्फ होना चाहिए कि आगे फ़ोटो उठाने के लिए, उसके बाद मैं फिर घुमाता हूँ एंड फिर राइड चालू करता हूँ। सो हम लोग अभी डेस्टिनेशन जो है वो है अथरेपल्ली वाटरफॉल, जो यहाँ से 250 किलोमीटर है। और अभी का टाइम हो गया 9:00 हो गया, निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया, बट ओके चलेंगे। तो गूगल का हिसाब से हम लोग 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। टर्न राइट, कौन सा राइट भाई, गूगल कुछ भी बोलता है हम लोग को सुनना नहीं है गूगल का बात ज़्यादा। हाँ ये वाला राइट है, गूगल बहुत घुमाता है, बहुत घुमाता है यार। देखो ऐसा स्टीप वाला रोड है सब। अथरेपल्ली वाटरफॉल से हम लोग को जाना है एलेपी, जो वहाँ से 40-50 किलोमीटर है। बट भाई साहब ने देखा नहीं, हम लोग आ रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं था, वो भी बहुत स्टीप वाला रोड था, ब्रेक शायद नहीं लगा सकता था। अभी हम लोग खाना भी बना के खा रहे हैं ना, इसके लिए थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, बर्तन धोने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। अभी ठंडा की जगह से हम लोग फिर जा रहे हैं गर्मी की जगह में। हिल्स, माउंटेन, वाटरफॉल, सी, सब कुछ आएगा हमारा इस सीरीज़ के अंदर। जो लोग ये ब्लॉग का थ्रू फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हो, हम लोग बताना चाहते हैं, ये हम लोग एक केरला राइड कर रहे हैं, जो यहाँ पे हम लोग केरला को एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं, हिल से लेके सी तक, जो हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड इस बार हम लोग कैंपिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए, तो पिछले ब्लॉग में हम लोग कैंपिंग किए, खाना बनाए, आराम से सोया वहाँ पे। तो जो लोग ये वीडियो का थ्रू फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हो, जाके थोड़ा देखो, आई बटन में आ रहा है हमारा सीरीज़ पूरा। हम लोग राइड जो है बेंगलोर से चालू किए थे। पैर में क्या लगा के रखा है, पॉलीबैग? ओह ये वो है, ओ रबर ट्री है। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे देखने के लिए मिला है रबर ट्री। सभी घर में पेपर का प्लांट लगा हुआ है। चलो अच्छा रूट मिल गया है, थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नया ताज़ा मिलेगा तो। अंदर ये साइड में है कॉफ़ी प्लांटेशन एंड पेपर, पूरा लेफ्ट साइड में भरा हुआ है। सुबह सुबह यहाँ का रोड में चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है, रोड पूरा एम्प्टी है एंड इतना अच्छा ब्यूटीफुल रोड है। कितना सुंदर सुंदर घर है ना, विला है ना यहाँ पे, छोटा छोटा अच्छा अच्छा विलाज भरा हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से वायनाड में थोड़ा सुबह थोड़ा लेट में होता है, आई मीन सुबह बोले तो अभी तक मैं जो जितना शॉप देख रहा हूँ खाने का, क्या मार्केट एरिया सब बंद ही है अभी तक, 9:00 हो गया ऑलरेडी, तो थोड़ा लेट में ओपन होता है। मुझे एक्यूरेट पता नहीं, लेकिन मैं जो वो सिचुएशन में देख रहा हूँ वो देख के बता रहा हूँ। तो जो लोग वायनाड से देख रहे हो आप लोग बता सकते हो क्या इधर कितना बजे तक ओपन हो जाता है सब। टी शॉप भी देखो बंद है अभी भी मॉर्निंग 9:00। तो ये थोड़ा मार्केट एरिया में आया हुआ, अभी यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। कलपेटा भी अच्छा जगह है, आप लोग अगर वायनाड में आने का प्लान कर रहे हो तो कलपेटा में भी रुक सकते हो, वहाँ से आपको बहुत सारा वाटरफॉल वगैरह भी नज़दीक मिल जाएगा ना। हाँ सारे नज़दीक भी मिल जाएगा। ये है वायनाड का ट्विस्टी वाला रोड, साइड में कॉफ़ी प्लांटेशन एंड पेपर प्लांटेशन, एवरीथिंग इज देयर। बनाना फॉरेस्ट भी इधर ही है, देखो लेफ्ट साइड में पूरा बनाने का बगीचा है। तो इसके लिए यहाँ पे बनाना पकौड़ा मिल जाता है आसानी से बनाना पकौड़ा मिल जाता है। कल हम लोग को मिला था बनाना पकौड़ा था वो। हाँ वो भी पक्का वाला एक केला था, उसको बनाया था, कुछ चाय के साथ मिला था हम लोगों को। न्यू फर्स्ट टाइम हम लोग खा रहे थे, वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, टेस्ट मीठा था, अच्छा ही लगा। सो हम लोग अभी से सुल्तान बेथरी पे, यहाँ से हम लोग को राइड लेके निकलना है, हमको लेफ्ट लेने के लिए बोल रहे हैं, लेफ्ट।
इतना पानी कहाँ से आ रहा है भाई साहब? देखो नजारा देखो कि आज हमारा क्लेम जो था वो टूट गया। मैं कैसे भी वो बांधा हूँ इसको, इधर क्लेम लगता है, वो क्लेम टूट गया है। सो ये पता नहीं कैसे चलेंगे हम लोग, देखता हूँ इन बिटवीन राइड का बीच में कुछ शॉप मिलता है तो। ये बाइक घुमाने के लिए प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इतना तो है गया और हिल भी रहा है, इतना टाइट भी बंद नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत जान के देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अभी एक जा रहा हूँ शॉप में, देखता हूँ उधर मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बहुत दिक्कत होने वाला है ये फॉग लैम्प लेके। अभी बादल का अंदर से हम लोग चलेंगे।